हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं हूं मनीष और फिलहाल मैं मौजूद हूं वो है स्थान विशेष। जी हां, ये है ऋषिकेश। गढ़वाल की ऊंचाइयों से अब हम आ पहुंचे हैं इस योग की पावन भूमि में और मेरे साथ हैं दोनों यात्री, उनसे आपको मिलवाता हूं वीर जांबाज। ये देखिए वीर जांबाज हिमांशु एंड प्रतीक। हम लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आ चुके हैं और अब क्या इरादा है हिमांशु? आओ इतनी तेज चली, थोड़ी देर बैठ के आएंगे जब नदी में नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से वैसे भी यहाँ पे अभी उतने यात्री हैं नहीं, तो हमारे लिए बिल्कुल प्राइवेट घाट जैसा हो चुका है। इसीलिए अभी मास्क हटा हुआ है, अदरवाइज मास्क पहन रखा होता हमने। ये देखिए आप, वैसे भीड़ होती है तो उसका एक अलग मजा होता है। कोई भी जो जगह होती है जब तक क्राउड नहीं दिखे आपको वो फील नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त ये जो शांति वाला वातावरण है यह भी सुकून दे रहा है हमें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे गंगा स्नान और उसके बाद में यहाँ पे आपको जितना दिखा सकते हैं ऋषिकेश के जो खास स्थान वो दिखाऊंगा। सबसे पहले अब आपको यहीं पे जो जगह उसमें दिखाते हैं गंगा मैया का मंदिर। आखिर गंगा किनारे हैं हम। यहाँ पे आप बोट्स देख सकते हैं, फिलहाल खाली है क्योंकि यात्री नहीं है और इन बोट्स से यात्री उस तरफ जो टैक्सी स्टैंड है वहां पे जाते हैं और जो किराया है वो मात्र 10 रुपए। तो आप 10 रुपए में गंगा विहार का मजा ले सकते हैं। धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू होगी अभी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी हुआ करती है। तो लीजिए, गंगा स्नान के लिए हो चुके हैं तैयार। पानी ठंडा है लेकिन एक बार जब आप पानी में उतर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इस समय स्नान करने वाले सबसे पहले हम तीनों ही हैं और गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं स्नान हो चुका है। हम तैयार हो चुके हैं, आ गए हैं हम यहाँ ऊपर और अब हम लेंगे गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का मजा यहीं गंगा घाट पे। कितने लोग आ रहे हैं अभी? अभी तो कम ही आ रहे हैं। कोरोना के केसेस हैं क्या यहाँ पे? अब नहीं है, पहले सही हो गए। आरती होती है।
जैसा कि चाय वाले भाई साहब ने बताया कि जो प्रसिद्ध गंगा आरती जो हुआ करती थी फिलहाल बंद है, लेकिन अभी 2-3 दिन में उसके भी स्टार्ट होने की संभावना है। फिलहाल हम लोग वह अटेंड नहीं कर पाएंगे। भाई साहब चाय को ढक के उबाल रहे हैं एकदम। ये देखिए आ गया है उफान। चाय का अलग ही मजा है गंगा स्नान के बाद। आजा आजा चाय तैयार है, फोटोज थोड़ी देर बाद लेना। तो अब हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। चलिए आप भी हमारे साथ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, अद्भुत अद्भुत। मतलब इतना मजा है ना, इतना मजा है ना हमको अभी सही में। ऋषिकेश आनंद आनंद आया। कहीं पे भी चले जाओ बट जो ऋषिकेश में आके जो फील होता है ना वो कहीं नहीं मिलता। औसम वाला, औसम वाला। थर्ड तीसरी बार आ रहा हूँ मनीष ब्लैक के साथ, दो बार छोड़ के चले गए थे। कुछ काम था अर्जेंट, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। तो आइए अब आपको दिखाते हैं रामफल। ये कहलाते हैं रामफल, सीताफल तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्त ये कौन से मौसम में लगा करते हैं वैसे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। ये देखिए रामफल ऐसे होता है, इसके अंदर लाल दाने होते हैं। कंदमूल जो है वो सावन के महीने में ही मिलेगा यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जब भी आया था तब मैंने वह खाया था और फील किया था कि भगवान राम ने कंदमूल जब खाए थे तो उनको कितना आनंद आया होगा। बाबा जी स्नान के लिए जा रहे हैं। तो सुबह हुई है इसलिए दुकानें अब धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगी, तब आपको दिखाएंगे हम यहाँ का प्रसिद्ध चोटी वाला रेस्टोरेंट। रात को जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तब चोटी वाला रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो गया था, दूसरी जगह हमने फिर डिनर किया था। तो रात को जो हमने डिनर किया था वो यहाँ पे किया था, काफी अच्छी जगह है ये। गुड मॉर्निंग। इनकी आंखों में भी नींद भरी हुई है अभी, तब स्टार्ट होगा तो फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है। जूस चाहिए तो जूस मिलेगा यहाँ। बस परमार्थ निकेतन सामने ही है। राम नाम लिख रहे हैं बाबा जी, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो ये कितने 1,25,000 लिखेंगे आप, कितने लिखेंगे? लिखते रहते हैं जितना भी हो जाए। जितना मेरी दादी जी ने भी लिखे थे ऐसे, वो 1,25,000 का जो होता है पूरा। ऋषिकेश हरिद्वार में जो है आपको खाने के लिए जो फल मिलेंगे बहुत ताजा मिलेंगे और खूब वैरायटी है यहाँ पे, तो आप आए तो वो जरूर ट्राई कीजिएगा। आ गया है परमार्थ निकेतन जहाँ होती है प्रसिद्ध गंगा आरती। ये है परमार्थ निकेतन जहाँ रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और इसके द्वार बंद हैं तो भीतर जाना भी संभव नहीं है। और ये देखिए सामने भोले बाबा की, भगवान शिव की ये बेहद अद्भुत प्रतिमा। और यहाँ है भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। और इस तरफ है मेरे फेवरेट, मेरे परम प्रिय बजरंग बली। ये देखिए रामायण का अद्भुत चित्रण किया गया है ऐसे।
लंका दहन करते हुए महावीर बजरंग बली। भक्ति और योग के अनूठे संगम का है यह स्थान विशेष ऋषिकेश। अब आपको लेके चलते हैं भगवान शिव की प्रतिमा के बेहद पास। और मेरे दोनों वीर जांबाज अभी बैठे हैं, निहार रहे हैं गंगा मैया को, भजन चला रखे हैं। सूर्य की किरण सीधे मेरे चेहरे पर आ रही है और पीछे आप देख रहे हैं भगवान शंकर की अद्भुत प्रतिमा। ये जो अद्भुत प्रतिमा है, गंगा मैया ने इनको यहाँ तक डुबो दिया था। करीबन वो वक्त था 2013 की त्रासदी का, आपदा का, लेकिन भगवान शंकर तो अटल है, इनको कौन हिला सकता है। और प्रतिमा तक जाने के लिए वहां से रास्ता है जो अभी फिलहाल बंद है, अदरवाइज आप यहां तक जा सकते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था तब यहीं तक गया था। ये देखिए, फिलहाल यहाँ पे अभी परमार्थ निकेतन में गंगा आरती नहीं हो रही है, जो प्रसिद्ध है बहुत। मैंने हर बार आनंद लिया है जितनी बार भी मैं यहाँ आया हूँ, यह फर्स्ट टाइम है। कोरोना की वजह से अभी वो आरती बंद है, लेकिन जैसा मुझे यहाँ पे बताया गया है कि 3-4 दिन में आरती शुरू होगी, तो हो सकता है आप जब यहाँ पे आए तो आपको फिर से गंगा आरती का आनंद लेने का मौका मिले। फिलहाल मैं और मेरे वीर जांबाज हिमांशु और प्रतीक बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको इस स्थान विशेष ऋषिकेश के और स्थान। परमार्थ निकेतन से आगे बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता है, आगे जो जाता है, उसमें हम यहाँ आ चुके हैं एंड पॉइंट पर। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक और स्पेशल चीज। जी हाँ, यहाँ के राम झूला को आपने देखा है, लक्ष्मण झूला भी आप जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं नया बना हुआ जानकी पुल, जानकी सेतु। ये देखिए, फिलहाल इसके ऊपर अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ आए हैं तो आपको बताना जरूरी था। भगवान राम के साथ जानकी का होना बहुत जरूरी है, माँ जानकी उनके नाम पे ये पुल। ये देखिए, एंट्री स्टार्ट होने में थोड़ा समय है इसके ऊपर, लेकिन बहुत ही अच्छा ब्रिज है ये भी। और यह जानकी पुल के पास में है इंटरनेशनल विश्व गुरु मेडिटेशन एंड योगा इंस्टीट्यूट। योग भूमि में आप कहीं भी जाएं, आपको योग सीखने के बहुत सारे स्थान मिलेंगे, उन्हीं में से एक ये है। यह है जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा। और यहाँ देखिए भगवान शंकर। ये देखिए श्री वेद निकेतन धाम है ये, और ये रहा जानकी पुल, बिल्कुल एंड पॉइंट है ये। अब हम चोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ, रामझूला की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्मा गर्म कचौरियां तैयार हो रही है। हाँ बेटा, इनको क्या बोलते हैं? चकोतरा। मीठा होता है ये? खट्टा मीठा। ये देखिए चकोतरा कितना बड़ा है, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए, नाम क्या है बेटा तुम्हारा? करण। बहुत बढ़िया नाम है। ये हम पहुंच गए हैं अब राम झूला पर। चल रही है लीजिए, ये है राम झूला जो आप देख रहे हैं, बहुत ही
भी आम उपयोग के लिए बंद कर दिया गया है। साइड देनी जरूरी है, इसके ऊपर मोटरसाइकिल्स भी जाती हैं, बाकी भारी गाड़ियां इसके ऊपर नहीं जा सकती हैं। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, हवा बहुत ही प्लीजेंट है। वहाँ उस जगह हमने स्नान किया था। ये देखिए वहां है परमार्थ निकेतन। हम लोग राम झूला से घाट के दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ भी काफी मंदिर हैं और रुकने के लिए धर्मशालाएं और होटल्स हैं। ये देखिए ये है राम झूला और वहां है जानकी सेतु। तो परमार्थ निकेतन के दूसरी तरफ घाट के अपोजिट साइड में ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से आपको हरिद्वार के लिए ऑटो रिक्शाज या और कहीं जाना हो तो टैक्सीज मिल जाती है। और ये देखिए रिवर राफ्टिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद में अब हम जाते हैं छोटी वाला रेस्टोरेंट की तरफ। भूख लग रही है क्योंकि हमने स्नान कर लिया। भाई साहब बता रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। वैसे रिवर राफ्टिंग के क्या चार्जेस आपके? 520 रुपए 12 किलोमीटर की। किस जगह से स्टार्ट होती है? ब्रह्मपुरी से। और आपका कोई कांटेक्ट नंबर कोई करना चाहे तो हो जाएगा, बता दीजिए ताकि औरों को पता चल जाए। जानू बता देगा। 7060555 6 0 5 6 4 2 1। तो अगर आप रिवर राफ्टिंग का मजा लेना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। एडवेंचर जंकीज के लिए भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप कैंपिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, बंजी जंपिंग का भी यहाँ पे इंतजाम है। हिमांशु ने की थी बंजी जंपिंग लास्ट टाइम, मुझे काम था इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा था। बट अगर आप यहाँ पे आएंगे तो दो तीन दिन बिताएंगे, आपको काफी कुछ करने को मिलेगा। एक और स्थान है यहाँ पे देखने लायक, नीलकंठ महादेव, जो यहाँ से थोड़ा दूरी पर है। वहाँ के लिए शेयरिंग जीप्स हैं, उनकी व्यवस्था है, आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। और आज अगर हमारे पास वक्त रहा तो डेफिनेटली हम आपको लेके चलेंगे नीलकंठ महादेव, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे। ये देखिए चोटी वाला रेस्टोरेंट जो है फिलहाल अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए हमें कहीं और ही नाश्ता करना होगा। लेकिन आप आए तो यहाँ पे एक बार कम से कम ब्रेकफास्ट लंच या डिनर जरूर करें। ये देखिए यहाँ के स्पेशल बर्गर तैयार हो रहे हैं। अभी इससे पहले हमने छोले कुलचे का मजा लिया है। आइए प्रतीक और हिमांशु से जानते हैं उनको कैसे लगे छोले कुलचे। छोले कुलचे काफी अच्छे थे, काफी टेस्टी थे, मजा आ गया। एक बार आप सुबह सुबह अगर हैवी नाश्ता कर लो तो अच्छा है, ताकि सफर आगे अच्छे से निकले। तो हमने छोले कुलचे और अब बर्गर बन रहा है, हमारा रेडी हो रहा है। आ चुके हैं 3 बर्गर, अब इनसे पेट भरकर बढ़ेंगे आगे हम। नहीं हो रहा है अब सब ग्रुप। यहाँ भगवान की पोशाकें मिल रही हैं। तो देखिए चोटी वाला रेस्टोरेंट जो है खुल चुका है। यहाँ पे सिंहासन पे एक चोटी वाले बाबा विराजते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, अभी नहीं है। Thank you.
लेडीज के लिए शॉपिंग के लिए काफी कुछ है। और जो सामने देख रहे हैं आप गंगा साई गेस्ट हाउस, यहीं पे हम लोग इस बार रुके हैं। थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, रात को पहुंचे थे यहाँ पे, तो यही जगह हमें सही लगी और ठीक है। अभी 500 रुपए में हमें रूम मिल गया। सामने रूम्स हैं। तो दोस्तों, होटल से हमने हमारा सामान ले लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं ऋषिकेश के टैक्सी स्टैंड की तरफ और वहां से हम जाएंगे हरिद्वार, क्योंकि वहां पे है तैयार हमारी जयपुर की बस। हमारा ऋषिकेश का ये जो सफर था वो फिलहाल इतना ही था, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी बहुत सारी जगह ओपन भी नहीं हो पाई है, इसलिए फिलहाल जाते हैं और अगली बार आएंगे तब आपको डिटेल में पूरा ऋषिकेश घुमाएंगे। लेकिन चलते चलते आपको एक और खास जगह दिखाई देते हैं। यह है बाबा काली कमली वाले की समाधि की छतरी। तो दोस्तों, इसी के साथ ऋषिकेश का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आपसे होगी फिर किसी और व्लॉग में मुलाकात। तब तक घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए। जय गंगा मैया।